हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्या ओसीडी डिजीज है? ओसीडी इज नॉट अ डिजीज, ओसीडी इज अ ट्रॉमा। अब ये ट्रॉमा कैसे बनता है, कब बनता है, आपको ओसीडी क्यों है, ये सारी चीजें मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ओसीडी के ऊपर वीडियो बनाऊं। फाइनली मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जिनको भी लगता है कि आपको ओसीडी प्रॉब्लम है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि ये कहाँ से शुरू होता है। In your childhood, if you felt lack of love, lack of attention, then you always try to be perfect to get that love, to get that attention. अगर बचपन में आपको ऐसा फील होता है कि आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, मे बी आई गिव यू सिचुएशन वेयर मे बी आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपका एज के बहुत कम रहता है, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उनका अटेंशन आपके छोटे भाई या छोटे बहन पे ज़्यादा चाहता है, जिसकी वजह से वो जो आपका जो इनर चाइल्ड वर्शन है उसको लगने लगता है कि उसको वो प्यार कम मिल रहा है, उसको वो अटेंशन कम मिल रहा है। जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है किसी बच्चे के लाइफ में, तो वो हमेशा सबकॉन्शियसली वो हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करता है, खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, चीज़ें सही से करने की कोशिश करता है, टू अट्रैक्ट दैट लव, दैट अटेंशन। जिनको भी ओसीडी है आप इससे रिलेट कर पाओगे। एक और सिचुएशन बताती हूँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही सिबलिंग्स के लिए केयरटेकर बन जाते हो, अपने भाई या बहन के लिए आप केयरटेकर बन जाते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग जाते हो उनके लिए। डू यू रिलेट विद दैट? जस्ट चेक ना, ये जो ट्रॉमा है ये आपका आपके चाइल्डहुड से ही शुरू होता है, आपके बचपन से शुरू होता है। अब ये जो ओसीडी है इससे होता क्या है? आप रिपीटेटिव एक्शन लेते हो कुछ, आपके थॉट्स बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, आप थोड़ा ओवरथिंक भी करते हो इसमें, तो ये जो है ये आपका डेली लाइफ इम्पैक्ट करता है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रॉमा पे काम करो, इस पैटर्न पे काम करो। इट्स ए मेंटल हेल्थ कंडीशन जो हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में आपको इरिटेशन होता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, आपको स्ट्रेस हो जाता है, बट वही सेम चीज़ दूसरों के लिए नॉर्मल होता है, बट आपके लिए वो नॉर्मल नहीं होता है, आपको वो बहुत सारा डिस्कम्फर्ट फीलिंग देता है। तो आप समझ सकते हो जिनको भी ओसीडी है कि ये चीज़ सीरियस बन सकता है, इसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे हील करोगे, कैसे इस पर काम करोगे? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और हीलिंग सेशन। I am doing my trauma healing session. I do Ho'oponopono healing session. आप वो सारी चीज़ें join कर सकते हो। अगर आपको मुझसे help चाहिए, please contact me, share your problems with me so that I can help you with that. Okay? We can do meditation, we can do Ho'oponopono healing for your OCD problem. We can also do trauma healing, which is most important. Trauma healing is a permanent healing method जहाँ पे हम scientifically heal करते हैं। और ये जो ट्रॉमा आपके बचपन से शुरू होता है, आपके चाइल्डहुड से शुरू करता है, वहाँ पे रूट में जाके हम हील करते हैं। अगर आपको मुझसे क्लैरिटी चाहिए या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो, यू कैन बुक ए फ्री 1-to-1 क्लैरिटी कॉल फॉर 30-40 मिनट्स। यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट अस, आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑल्सो आई विल शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। आप ज्वाइन करो, कॉन्टैक्ट करो हमें, एक फ्री 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो अगर आपको ये इशू है या फिर आप इससे रिलेट कर पाते हो एंड यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, और आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना है, किसी से शेयर करना है। डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड यस, इफ दिस वीडियो हेल्प्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट लव योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।